राज्य मंत्री के रूप में और नागपुर जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में कोरोना काल के दौरान पूरे नागपुर जिले को कोरोना से मुक्ति मिली। इसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई, इसके अलावा 1,00,000 कर्मचारियों और 26 ट्रेड यूनियनों के साथ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए मेरे लिए यह बड़े संतोष की बात है कि कोई आंदोलन नहीं होने दिया गया। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए नितिन राउत ने ये बोला। प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड ने तीनों कंपनियों को लाभदायक बनाने के लिए श्रमिकों को समझाने का एक अभिनव काम किया है। सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देने वाली एक बड़ी ऊर्जा कंपनी के काम में तेजी लाई। केंद्र सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित 27,000 मेगावाट के लक्ष्य को हासिल किया। कोरोना काल में मीटर रीडिंग नहीं ली गई, इसलिए औसतन 3 महीने का बिल भेजा गया, इसलिए लोगों को बढ़े हुए बिल मिल रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि बाद में इस मुद्दे को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। मेरे कार्यकाल में बिजली की यूनिट दरें नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि इस बीच पूरे देश में कोयले की कमी का गंभीर संकट था। केंद्र सरकार ने हमें आयोजित कोयले का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया। लागत वसूल करने के लिए केंद्र ने दरें तय करने वाली MERC से दरें बढ़ाने को कहा। हालांकि उन्होंने MERC से इस बढ़ोतरी का विरोध करने की अपील की। पिछले 6 महीनों में वास्तविक विकास कार्य जोरों से शुरू हुए हैं, लेकिन सरकार गिर गई है। हालांकि कैबिनेट की पिछली बैठक में उन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी महाराष्ट्र के विकास का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार अब विकास कार्यों को अंजाम देगी। ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने दावोस में विश्व आर्थिक परिषद की बैठक में भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये उद्योग मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इन कंपनियों के साथ भूमि और बिजली समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने महानिर्मिथि, महावितरण, महापरेषण, महाराजा विभाग के साथ साथ नागपुर जिले द्वारा किए गए उल्लेखनीय विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बैठक अधिकारियों, कर्मचारियों, संगठनों, विभिन्न राजनीतिक दलों, मीडिया, व्यापारियों, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ साथ नागरिकों के विकास कार्यों के दौरान उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों के आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे नवंबर 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहले 6 मंत्रियों में मैं भी एक था। तत्पश्चात जनवरी 2020 में मुझे ऊर्जा विभाग का काम मेरे तरफ सौंपा गया और उसी के कुछ दिन बाद मेरे हृदय का ऑपरेशन भी हुआ, जिसमें 6 स्टेंस मुझे लगे और वहाँ से लौटता नहीं तो कोरोना की महामारी शुरू हो चुकी थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था और बिजली एक एसेंशियल कमोडिटीज होने के नाते 24/7 बिजली लोगों को मुहैया कराना, क्योंकि आप लोग सब वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे और उसके बाद दूसरी कोरोना की लहर, तीसरी कोरोना की लहर, अभी चौथी चल रही है। और ये लहरों में पहले 2 साल कैसे चले गए, हम आपस में भी मिला नहीं करते थे, रूबरू नहीं हुआ करते थे, जो भी बातचीत होती थी वो मोबाइल पे या फोन पर हो जाती थी, कई दिनों तक के तो बात भी नहीं हो सकी। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने उस कोरोना के संकट में नागपुर जिले को बचाने के लिए एज अ मीडिया, एज अ प्रेस जिस प्रकार का सहयोग मुझे प्रदान किया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं सहृदय आप सब लोगों का अत्यंत ऋणी हूँ।
कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।